ठंड बहुत है भैया, बोल रहे हैं ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा है, तो ठंड का एंजॉय करिए भैया, ठंडी में ठंडी ही रहेगा। हाँ हाँ, हो ही रहा है ठंडी। कुछ भैया लोग हैं जो अलाव जला के उसको ताप रहे हैं, ठंडी के दिनों में गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हाय करिए भैया आप भी। हेलो, हाय तो है भैया, क्या क्या ठंडी बहुत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आ चुके हम गोरखपुर के नौसड़ वाले रास्ते पे, राप्ती नदी के किनारे श्री महायोगी गोरखनाथ घाट पे। तो देख सकते हैं गोरख बाबा जो हैं ऊपर विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं बैठे हुए हैं। चलते हैं हम अंदर और शिव जी की जो महान प्रतिमा, बड़ी सी एकदम विशाल प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा को ले जाकर आपको दर्शन कराते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन रखें। इस घाट पर अगर आप आए हुए हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है शौचालय की, तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं बनाई गई हैं, जिस शौचालय का भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है तो। आप लोग देख सकते हैं विशाल शिव जी की प्रतिमा जो दिल को खुश कर देती है। तो महादेव के अगर भक्त हैं तो इस विशाल प्रतिमा के लिए आपको एक लाइक करना तो बनता ही है। और यहाँ भी गोरख बाबा हैं, महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ एक विशाल प्रतिमा थी जो हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर है और इसके अंदर भी भोलेनाथ जी हैं। हाँ ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, लीजिए ना इंटरव्यू लीजिए हम लोग का। ठंड बहुत है भैया, बोल रहे हैं ठंड बहुत है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड का एंजॉय करिए भैया, ठंडी में ठंडी ही रहेगा। हाँ हाँ, हो ही रहा है ठंडी में, हो रहा है। बच्चे नहीं है बट बैलून चालू है इसके अंदर। अभी बच्चे नहीं, अगर काश हम बच्चे होते तो कूद सकते थे। एक बच्चा है, एक बच्चा है। हाय कर रहा है, आप लोग भी हाय जरूर करिएगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग सुबह में ही निकल चुके थे लगभग 7 बजे ही घूमने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने देखा कुछ भैया लोग हैं जो अलाव जला के उसको ताप रहे हैं, ठंडी के दिनों में गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हाय करिए भैया आप भी। हेलो, ठंड में हाथ सिकुड़ गया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाथ हिलाने से और ठंडी लगेगी, बट भैया लोग का हाथ गर्म है क्योंकि उन लोग कंटिन्यू अलाव को ताप रहे हैं। आपको कैसा लगा यहाँ का दृश्य, कमेंट करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं पेड़ जो बनाया गया है ना यहाँ पे, पेड़ के लिए भी एकदम उसका जो वो है नीचे, बहुत अच्छे से सजाया गया है, बनाया गया है, टाइल्स लगाए गए हैं, काफ़ी प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं जैसे ये पेड़ है, इसका व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये।